Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. आज हम पास्ट पेपर्स के जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उसका पार्ट टू को आगे लेके चलेंगे. ये 2001 का अकाउंट एंड ऑडिट का पेपर है. इसके एमसीक्यूज नंबर 1, द मेजरेबल वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रेफर्ड टू एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट an imputed cost, a different cost, sunk cost, none of these. इसका ऑप्शन ए ठीक है, an opportunity cost. इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ. लेट सपोज आपको दो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. दो ऑप्शन हैं आपके पास. एक जॉब आपके घर के करीब है जिसकी सैलरी 50,000 है, और एक आपके घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर कोई ऑफिस वगैरह है जहाँ पे आपको ऑफ़र आती है 60,000 की. अब अगर एक को चुनते हैं आप जो घर के करीब वाली, तो आपकी सेकंड जो अपॉर्चुनिटी है वो कौन सी है जो घर से दूर है 60,000 वाली, आप उसको छोड़ के 50,000 वाली को अवेल कर रहे हैं, या आप 60,000 वाली ऑफ़र को अवेल करते हैं और 50,000 वाली को फोरगो करते हैं. तो जो अपॉर्चुनिटी यानी कि जो आपको मौका मिल रहा है उसको जो आप छोड़ते हैं उसकी भी ज़ाहरी बात है आपको एक कॉस्ट. तो ऐसे में क्या है, जो आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो होता है जिसको आप छोड़ देते हैं, जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपकी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है. सेम इस तरीके से अगर लेट्स सपोज आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, 1 लाख रुपीज़ आपके पास हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बैंक में जमा करवा दें, एफडी कर दें, फिक्स डिपॉजिट, और उसके बदले में बैंक आपको 10% पे करेगा. लेकिन एक आपके पास इन्वेस्टर आ जाता है, वो कहता है अगर आप यही जो अमाउंट है 1 लाख की मुझे दे दें तो मैं आपको 13% मार्कअप पे आपके ये जो अमाउंट है इसको अवेल करना चाहता हूँ. तो आप लेट्स सपोज उस इन्वेस्टर को देते हैं 12% पे, तो 10% जो बैंक आपको दे रहा था वो तो आपके पास ऑप्शन था, आप उसको फॉरगो कर रहे हैं, तो जो आप अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हैं वो आपके लिए एक कॉस्ट बन जाएगी. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब दोबारा, द मेजरेबल वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका अल्टरनेट क्या पर्पज़ है, अल्टरनेट यूटिलाइजेशन क्या है, और ये मेजरेबल है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. नंबर 2, ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स इज़ एन बजट है, और बजट किस हिसाब से क्वांटिटेटिव होता है, आप उसकी टर्म्स, लेट्स सपोज आप जिस डिपार्टमेंट में या फर्म में काम करते हैं उसकी सेल्स 10,000 यूनिट्स है और कंपनी का जो जीएम है वो आपको कहता है कि हम नेक्स्ट ईयर जो फिनेंशियल ईयर होगा हम 10,000 के बजाय 12,000 सेल्स करेंगे, तो आपकी सारी की सारी वर्किंग जो होगी 12, आप मार्केटिंग भी इस हिसाब से करेंगे कि आपकी सेल 10,000 की नस्बत बढ़े, यानी कि जो पहले मार्केटिंग पे खर्चे हो रहे थे वो भी बढ़ जाएंगे, जो आपकी सेल्स की कीमत है वो भी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, सेल्स एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाएगा. तो ये जो आप फोरकास्ट करते हैं ये क्वांटिटेटिव एक जो ऑब्जेक्टिव आपका होता है इसको हम बजट कहते हैं. एक कॉस्ट सेंटर इज़, सिंपली आपको बताऊं कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है, आपकी एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के आगे फिर 5-6 ऑफिस ऐसे हैं जो मेन है, जैसे एडमिन है, अकाउंट्स है, R&D है, और इस तरह के जो आपके हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो आप उनको क्या है सब पार्ट कर देते हैं. आप हर एक की परफॉर्मेंस देखने के लिए उनको ऑब्जेक्टिव दे देते हैं कि
आपने ये सेल्स करनी है इतनी, और आपने अपनी जो रेवेन्यूज़ आपने जनरेट करने हैं आपकी कास्ट उससे कम होनी चाहिए। तो आप इसी चीज़ पे हर जो उसका सब सेक्शन होगा, सब डिपार्टमेंट के फर्दर जो डिपार्टमेंट्स होंगे छोटे, उनकी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से देखेंगे कि किसने कितना आउटपुट दिया और उस पर कितनी कास्ट आई। तो जो आप पूरी डिपार्टमेंट की जब कास्ट कैलकुलेट करने लगेंगे तो जितनी भी सब सेक्शन थे उनकी सारी की सारी कास्ट को आप जमा करके फुल कास्ट पे आप पहुंचेंगे। तो ऐसे मेन मेन यूनिट सेक्शन जिनको आप कास्ट एलोकेट करते हैं उनको क्या कहते हैं, कास्ट सेंटर। आगे उसकी इसका आंसर भी डी है, एनी लोकेशन और डिपार्टमेंट विच इंकर्स कास्ट, यानी कि जो कास्ट इंकर कर सकती है, जिसको ये मैंडेट दिया गया हो कि वो कास्ट इंकर कर सकती है। नंबर फोर है, एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 400 यूनिट्स सोल्ड द वेरिएबल कास्ट वर ₹400 एंड द फिक्स कास्ट वर ₹200, व्हाट विल बी द 401 यूनिट्स सोल्ड कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स। तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपकी इतनी सेल्स के सेल में से आप वेरिएबल कास्ट और फिक्स कास्ट निकालें तो आपके पास बैलेंस ज़ीरो आए। तो आपने अब जो है अब देखें कि आपकी वेरिएबल कास्ट कितनी बन रही है और फिक्स कास्ट कितनी बन रही है। आप देख लें कि 400 वेरिएबल कास्ट है और 200 फिक्स कास्ट है, दोनों को मिला के कितने हो गए, 600 आपकी कास्ट है। और ये जो आपकी टोटल कास्ट पूरी होनी चाहिए 400 यूनिट्स पे कि ज़ीरो जवाब आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 600 डिवाइडेड बाई 400, तो आपका जो आंसर आएगा 400 हाँ जी 400 प्लस 200 600 डिवाइडेड बाई 400, तो आपका आंसर आएगा 1.50। यहाँ पे जो ऑप्शन जवाब बी है मुझे ये गलत लग रहा है, क्योंकि जब आपकी ये होगा तो ये गलत हो जाएगा। अब जब आप 600 आपके 400 यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 से, यानी कि सेल प्राइस से, तो आपकी टोटल सेल कितनी हो जाएंगी, 600 में से वेरिएबल कास्ट निकालेंगे 400, तो कितने बच जाएंगे 200 जो कि उसमें से फिक्स कास्ट निकालेंगे जो कि 200 है, 200 में से 200 माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा ज़ीरो। तो आपके पास 401 यूनिट्स जो होंगे उनका कंट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, तो आगे जो आपका एक और यूनिट है उसको आप सेल से करें तो आपका कितना बनेगा, सेल 1.5, यानी कि जो एक्स्ट्रा यूनिट है 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1.50, तो आपका ये आ जाएगा सेल। उसमें से आपने वेरिएबल कास्ट निकालनी है तो आपका आंसर आ जाएगा 400 यूनिट्स हैं और 400 ही वेरिएबल कास्ट है, तो हर यूनिट की कास्ट कितनी आई, 1। तो 1.50 से माइनस करेंगे एक वेरिएबल कास्ट तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.50। तो फिक्स कास्ट नहीं रहे आएगी क्योंकि फिक्स कास्ट तो फिक्स कास्ट ही रहती है, तो आपका जो है एक्स्ट्रा ब्रेक इवन पॉइंट्स के बाद जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के हिसाब से, वो आ जाएगा 0.50। ये जवाब ठीक है। तो मैं सेल के हिसाब से वो ज़रा देख रहा था कि सेल क्या बनेगी, तो सेल तो 1.50 पर यूनिट बन रही थी, और आपका जो है आखिरी यूनिट 400 से ऊपर वाला जो एक यूनिट है उसका कंट्रीब्यूशन जो है 50 पैसे बनेंगे। ठीक है जवाब इसका। क्वेश्चन नंबर आगे 5 आता है जी, इन कंसीडरिंग ए स्पेशल ऑर्डर सिचुएशन दैट विल एनेबल कंपनी टू मेक यूज ऑफ करंटली आइडल कैपेसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट विल बी इररेलेवेंट, यानी कि आपके पास कोई ऐसा स्पेशल सिचुएशन आती है कि आप और ऑर्डर ले सकते हैं, और ऑर्डर लेने से जो आपकी आइडल कैपेसिटी है, यानी कि जो आपकी कंपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट वो प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन वो अभी यूज़ नहीं हो रही,
तो कौन सी ऐसी कास्ट है जो आपके लिए इरेलीवेंट रहेगी। मटेरियल वेरी करता है क्योंकि जितने आप यूनिट्स इंक्रीज करेंगे मटेरियल की कास्ट भी इंक्रीज करेगी। डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स रहती है मशीनरी पे। जब ये जवाब आपका जो ठीक है ये इस तरीके से कि जो आपकी मशीनरी या टूल्स हैं उन पे डेप्रिसिएशन तो आप लगा ही रहे हैं भले वो पूरी प्रोडक्शन दे रहे हैं या आप उसको कम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन तो फिक्स ही रहेगी। तो इसलिए डिप्रेसिएशन कास्ट ऐसी है कि आप उसके यूनिट्स प्रोडक्शन के इंक्रीज करें या डिक्रीज करें डिप्रेसिएशन कास्ट सेम रहेगी, इसलिए डिप्रेसिएशन कास्ट इस डिसीजन से इरेलीवेंट होगी। नंबर सिक्स है फिक्स कास्ट। फिक्स कास्ट तो आपको पहले भी बताया था ये हमेशा सेम रहती है आपके प्रोडक्शन का वॉल्यूम जो भी रहे, अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते तो भी फिक्स कास्ट वही रहती है। तो ऑप्शन बी है विल नॉट चेंज इन दी टोटल बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू चेंज इन प्रोडक्शन, तो ठीक है ये जवाब। कंप्लीशन ऑफ जॉब इज़ रिजल्ट इन, तो जब आपकी कोई जॉब कंप्लीट हो जाती है फिनिश गुड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं डेबिट करते हैं फिनिश गुड्स को और क्रेडिट करते हैं वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स को। बिल्कुल जी ये ठीक है ऑप्शन। जब हम डबल एंट्री सिस्टम की एक मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको डिटेल से पढ़ा दूंगा कि डेबिट और क्रेडिट कैसे मटेरियल को करते हैं, ओवरहेड को कैसे करते हैं, लेबर को कैसे करते हैं, फिर जब प्राइम कास्ट इंकर कर लेते हैं वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कैसे करते हैं, फिर जब वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट होता है फिनिश गुड्स को डेबिट कैसे करते हैं। जिस डिपार्टमेंट में वो चीज़ जाती है जिस लेवल पे होती है तो उसको डेबिट करते जाते हैं, जो पिछले वाली होती है उसको क्रेडिट करते जाते हैं। आठ नंबर है ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ ऑफन नेम्ड एज। ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम क्या कहते हैं सेलिंग प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो आपने इनकम स्टेटमेंट में देखा होगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऐड के अंदर नीचे दो आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। आगे नौ आता है एक्सपेंसेस सच एज रेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग आर शेयर्ड बाय सेवरल डिपार्टमेंट्स दीज आर, ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फिक्स होती है आप एलोकेट करते हैं मुख्तलिफ जो उसमें शेयर होल्डर होते हैं डिपार्टमेंट के उसको इनडायरेक्ट कहते हैं, ये प्रोपोर्शनेटली होती है एफओआई टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट को कंसिडर करते हैं। नंबर टेन है जी इफ अंडर अप्लाइड एफओएच इज क्लोज टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि अंडर अप्लाइड एफओएच इज क्लोज टू सीजीएस द जनरल एंट्री इज, यानी कि आपका एफओएच अंडर अप्लाइड है तो आपने उसको मज़ीद अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट हो जाएगा और जिसको हमने एक्सपेंस को इंक्रीज़ करना तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो एफओएच कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और उसका हेड में बढ़ जाएगा। रीऑर्डर क्वान्टिटी ये दी गई है, मैक्सिमम कंजम्पशन इतनी दी गई है, मिनिमम कंजम्पशन 300 है, रीऑर्डर पीरियड 5 वीक्स का है, बेस्ड ऑन दिस डाटा रीऑर्डर लेवल इज़ 4500 यूनिट्स। ये आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन सिलेबस में अगर आपका हिस्सा आता है तो हम ये फार्मूले ये जो आपके मटेरियल का चैप्टर होगा हम उसमें कवर कर देंगे, अगर आपके सिलेबस में ना हुआ तो फिर ये आपने खुद ही एफर्ट करनी है। द टाइम लैग बिटवीन इंडेंटिंग एंड रिसीविंग मटेरियल इज़ आल्सो कॉल्ड पाइपलाइन टाइम भी होता है और लीड टाइम, इसको दोनों नाम दिए जाते हैं। तो जब आप किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं टिल वो चीज़ रिसीव हो अपनी आपके जहाँ से ऑर्डर करते हैं तो इस टाइम को जो गैप होता है दरमियान में ऑर्डर करने और चीज़ रिसीव करने में इसको लीड टाइम कहते हैं। थर्टीन है ए क्रेडिट बैलेंस रिमेनिंग इन एफओएच कंट्रोल अकाउंट्स इज आल्सो कॉल्ड, तो जो आपके क्रेडिट पे बैलेंस अगर एफओएच का बच जाए तो इट्स मीन
आपने ओवर अप्लाई किया था, तो ये ओवर अप्लाई में आ जाएगा। अगर आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा तो इट्स मीन वो आपने अंडर अप्लाई किया था और उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, जैसे आपने लास्ट टाइम पिछली एंट्री में किया है। 14 है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। आपको ये बता दूँ कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है मटेरियल लेबर ओवरहेड, इसमें दो आपके होते हैं, एक तो मटेरियल और लेबर, ये दोनों मिलके प्राइम कॉस्ट बनाते हैं, और लेबर और एफओएच दोनों मिलके कन्वर्जन कॉस्ट बनाते हैं, और ये सारे तीनों मिलके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाते हैं। आगे आता है जी 15 नंबर, प्रोडक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, सिंपल। 16 है ए सेगमेंट ऑफ द बिजनेस दैट जनरेट्स बोथ रेवेन्यूज एंड कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट सेंटर। एक होता है कॉस्ट सेंटर, एक होता है प्रॉफिट सेंटर। जो सिर्फ आप जिसको सिर्फ कॉस्ट लगाएं तो वो कॉस्ट सेंटर हो जाता है, जो रेवेन्यू भी जनरेट करे और कॉस्ट भी एलोकेट करे, और उसका जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट आप जब डिटरमिन करते हैं किस डिपार्टमेंट का, तो उसको हम प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, 17 वेरिफिकेशन इंक्लूड ना तो चेकिंग है ना एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है। 18 आता है ऑडिट ऑफ ए बैंक इज जनरली कंडक्टेड थ्रू, पहले भी पढ़ा है, रूटीन चेकिंग होती है ये। 19 है इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ बेनिफिट इन द फ्यूचर आर रेफर टू एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट इन द फ्यूचर आर रेफर टू एज। ये ऑप्शन गलत है, ये एसेट्स होते हैं जो आपकी फ्यूचर के आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं, ये गलत है। 19 वाला इसको करेक्ट कर लेना। शॉर्ट टर्म लोन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब, कि शॉर्ट लोन जो होते हैं हम उनको क्या नाम दे सकते हैं, इफ़ द पीरियड इज़ लेस देन वन ईयर, तो ठीक है ये इसकी डेफिनेशन क्लोज है। दूसरे ऑप्शन अगर पढ़ें तो इफ़ द पीरियड इज़ 3 ईयर, गलत है। इफ़ द पीरियड इज़ ओवर 1 ईयर, ये भी गलत है। तो 1 ईयर से जो कम होते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। आगे आता है जनाब अकाउंटिंग एंड एडिटिंग का पेपर 1 है, ये 2002 का है। क्वेश्चन नंबर 1 में आया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म सेट अप पाकिस्तान अंडर, आपको बता चुका हूँ 2 से 20 तक, और ये याद रख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल फिनेंशियल रिपोर्ट्स इज गवर्न इन पाकिस्तान अंडर, तो कंपनी ऑर्डिनेंस जो होती है ये फिनेंशियल रिपोर्ट्स को मॉनिटर करती है और डायरेक्शन देती है किस पैटर्न पे किस तरह होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, बिल्कुल ऐसे ही है, जो एक एसेट होता है कितनी उसकी लाइफ फ़ायदेमंद रह सकती है, मतलब कितने साल तक उससे फ़ायदा हो सकता है, उसको हम डेप्रिसिएशन पीरियड कहते हैं, और डेप्रिसिएशन उसी पे लगाई जाती है, उतने ही पीरियड पे एक्सटेंड कर दी जाती है। अगर फर्ज़ किया कोई एसेट 5 साल चलता है तो 5 साल उसकी लाइफ बनती है, 6 साल चल सकता है तो 6 साल, 10 साल तक, 20 साल तक, जितना भी हो। क्वेश्चन नंबर 4 है इन्वेंट्री टर्नओवर इज कैलकुलेटेड एज अंडर, ये फार्मूला है, CGF डिवाइडेड क्लोथिंग इन्वेंट्री या एवरेज इन्वेंट्री, दोनों में से आपके पास ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो आपने एवरेज निकालनी है। अगर सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आपने कॉस्ट ऑफ सोल्ड डिवाइडेड बाई क्लोजिंग इन्वेंट्री से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल लेनी है। There is difference between, ये दिए गए हैं इनमें डिफरेंस है। वर्कशीट एंड बैलेंस शीट, बिल्कुल ऐसे ही है, वर्कशीट और बैलेंस शीट में फ़र्क है। वर्कशीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कशीट एज कम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड फिनेंशियल पोजिशन, तो वर्कशीट एज कम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड फिनेंशियल पोजिशन, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वर्कशीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें भी फ़र्क है। वर्कशीट एंड बैलेंस शीट, इसमें भी फ़र्क है, क्योंकि जो आपकी वर्कशीट होती है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक, ये सी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, जो आपका है ये वर्कशीट एंड बैलेंस शीट, आपका आंसर ए बनता है।
Deferred revenue is ऐसा revenue जो आपने अभी तक पे आउट नहीं किया, ऐसा रेवेन्यू किसी और डिपार्टमेंट का जो आपने अभी तक पे नहीं किया, तो वो आप पे लायबिलिटी होती है। क्वेश्चन 7 है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए फर्म इज गवर्न्ड अंडर। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए फर्म, फर्म मीन पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अंडर पार्टनरशिप डेट नहीं, नन ऑफ दिस। अगर यहाँ पे कंपनी ऑर्डिनेंस होता तो वो आपका आंसर राइट होता, यहाँ पे कोई भी नहीं है उनमें से, तो नन है। 8 नंबर है, डेफर्ड टैक्सेशन अमाउंट बी ट्रीटेड एज एन आइटम इन द बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। डेफर्ड टैक्सेशन, तो डेफर्ड जो है ना आपको कन्फ्यूज करेगा। डेफर्ड मीन, डेफर्ड टैक्सेशन ऐसा है जो आपने पे तो कर दिया है लेकिन आपका वो ड्यू नहीं था, तो आपका ये एडवांस, जैसे हम कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस दे देते हैं तो उसको हम एसेट काउंट करते हैं, सेम इस तरीके से। 9 है, रिटर्न ऑफ इक्विटी विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। रिटर्न ऑफ इक्विटी इज, तो इक्विटी क्या होती है, आपके शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा होता है जो उन्होंने डाल के कंपनी को चला रहता है, यानी कि शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट, जिसको हम इक्विटी कहते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है, जो कंपनी नेट प्रॉफिट अर्न करती है, जो हम बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल जितना भी है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। 10वां है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज। करंट लायबिलिटी, तो आपके जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उनका क्या होता है, सॉरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, लोन्स होते हैं, क्या होता है कि फर्ज किया आपने लोन लिया था 5 साल के लिए और आपने उसको कब पे करना है, जब वो ड्यू हो जाएगा। तो ड्यू कब होता है, जब उसकी पीरियड 1 साल से कम हो जाता है। तो जब वो आपका 5 साल ख़त्म होते हैं तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी बन जाती है। लेट्स सपोज आपने एक लोन लिया, आज 5 साल बाद ड्यू होगा जब आपने पे करना है, तो आज तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन है। 4 साल तक वो आपका लॉन्ग टर्म लोन ही चलता रहेगा, लेकिन आखिरी साल में वो, चूंकि आपने उसी साल में पे करना है, और करंट लोन की भी डेफिनेशन भी यही है शॉर्ट टर्म लोन की, जो 1 साल से कम अर्से में आपने पे करना है, तो जो पीरियड आपके 4 साल लैप्स करेंगे, आखिरी साल आपका करंट लायबिलिटी बन जाएगा। आगे आता है जनाब पेपर 2002 का, प्राइम कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड एज अंडर। जैसे आपको पहले बताया डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट होती है। प्रोसेस कॉस्ट इज़ वेरी मच अप्लाइकेबल इन, प्रोसेस कॉस्ट इज़ वेरी मच अप्लाइकेबल इन। प्रोसेस कॉस्टिंग हम कहाँ पे करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, फार्मास्यूटिकल में, एयरलाइन कंपनी में। तो ये जनाब इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये गलत है, और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मैं अगर आपको मिसाल दूं तो कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं होती जो एक ही जैसी हो और एक तरह के ही आपके एक्सपेंसेस आ रहे हों। लेकिन जब फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट की आप बात करते हैं तो एक मेडिसिन तैयार हो रही है तो वो पूरी लॉट्स में होती है, ठीक है। और जब कोई भी चीज़ पूरी लॉट की शक्ल में तैयार होना शुरू हो जाए और पूरी कॉस्ट को आप पूरी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस यूनिट्स हैं उन पर डिवाइड करें, तो आप इस ऐसी जगह पर जो हर यूनिट एक ही जैसा हो और आप टोटल कॉस्ट टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर दें, तो वहाँ पे प्रोसेस कॉस्ट अप्लाई होती है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, क्योंकि सीमेंट की एक बोरी बनाए 100 बोरी बनाए तो आप डिफरेंस नहीं कर सकेंगे और आप सारी की सारी कॉस्ट उन पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेम इस तरीके से फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में जो मेडिसिन तैयार हो रही होती है, सिरप तैयार हों या टैबलेट्स तैयार हों, कैप्सूल तैयार हों, तो जितनी भी उन पे कॉस्ट है उन सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो ये आपका ऑप्शन हुआ बी ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेटेस्ट कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। वो कहता है जी लेटेस्ट जो कंप्यूटेशन है, 2 वेरिएंस अप्रोच है, 3 वेरिएंस है, 4 वेरिएंस। तो आपको पता है कि जो वेरिएंस वाला आप चैप्टर पढ़ें तो उसमें 4 वेरिएंस हैं, स्पेंडिंग वेरिएंस, आइडल वेरिएंस, तो इस तरह की 4 जो हैं मुख्तलिफ नाम उनके हैं।
So four variance approach is the right option C. Question number 4 hai, random sampling in auditing means selection through scientific sampling approach. Bilkul random sampling aise hai jisme dobara aane ke option kam ho, to ye scientific tarike se hum is tarike se cheeze karte hain ki unme jo cheez ek dafa jaye dobara aane ke chance na ho. Panchve number pe hai, expenditure incurred in procuring machinery is, ek machine aap purchase karte hain to uski jo cost hai वो क्या होगी आपके लिए, an admissible expenditure for tax purpose, not admissible for the tax purpose, none of these. जी तो आपकी जो मशीनरी है जब आप परचेज करते हैं तो आपको उस पे टैक्स में छूट मिलती है, आप उसको कैपिटल हेड में अगर जब लेके जाते हैं तो आप को छूट मिलती है और आपने उसको मुख्तलिफ फिनेंशियल ईयर में पे करना होता है, एक ही साल में, बल्कि आप उसको आपको छूट मिलती है, यानी कि आपको टैक्स बेनिफिट उस पर मिलता है, तो आपकी कॉस्ट उस पर कम हो जाती है. कैपिटल गुड्स जितनी भी आप परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट आपको उस पर छूट देती है. और ये इस पे वेरिएशन हो सकती है कि एक पे छूट हो एक पे ना हो, लेकिन आप जनरली यही रखें कि इस पे टैक्सेशन की छूट होती है. जब आप कैपिटल बजटिंग कर रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ का अच्छे से कैलकुलेशन सिखाई जाती है, लेकिन मे बी कि आप जो आपने उसके गो थ्रू ना हो लेकिन आपने कैपिटल को टैक्स को कंसीडर करना होता है. इंक्रीज इन इनकम कॉन्स्टिट्यूट्स, जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, इनफ्लो बढ़ते हैं आउटफ्लो बढ़ते हैं या नन ऑफ दिस, तो इनफ्लो बढ़ते हैं वेरी बात है. सातवें नंबर पे एम एंड ए स्टैंड फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, बिल्कुल बड़ी मशहूर टर्म है, मर्जर एंड एक्विजिशन है. आठवें नंबर पर है एन एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. एंडोमेंट जो होती है जब आपका एक इवेंट कंप्लीट हो जाता है, लेट्स सपोज आपकी लाइफ इंश्योरेंस आपने खरीदी हुई है लेकिन आपका वो जो सब्जेक्ट है जो जिसने लाइफ इंश्योरेंस करवाई वो अगर ख़त्म हो जाता है तो ये उसी में आती है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, सिर्फ लाइफ पे होती है, अप्लाई होती है. क्वेश्चन 9 है ऑडिट ऑफ ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट आर द सेम इन इंश्योरेंस कंपनी इन बैंकिंग कंपनी, नन ऑफ दिस. इंश्योरेंस कंपनी में जो है ये आता है ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट, एक ही टर्म यूज़ की जाती है. इससे टेस्ट इज़ द सेम एज क्विक टेस्ट, बिल्कुल क्विक रेशो जो है और इससे टेस्ट रेशो जो है इनका एक ही नाम है. 2002 तक हमने पेपर्स जो पास पेपर हैं ये कर लिए हैं और यहाँ पे आज हम ब्रेक लगाते हैं, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करें आगे. और हमने इस सीनियर ऑडिटर के टेस्ट के बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं जो मैंने आपको गाइडलाइन वगैरह देनी, मुझे अच्छे से याद हैं, लेकिन जिस दिन हम ये एमसीक्यूज जो सारे हैं ख़त्म कर लेंगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस डायरेक्शन में कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ पढ़नी है, किस चीज़ को कंसंट्रेट करना है. तो अभी तक आप सिर्फ इन चीज़ों को जो हम पढ़ रहे हैं इनको रट्टे लगाएँ, टाइम आपके पास बहुत है. अगर अभी से आपने तैयारी शुरू कर दी है तो ये बहुत अच्छा है. अगर आप ये मेरा लेसन जो है या लेक्चर जो है एंड पे जाके पढ़ेंगे तो फिर आपको इतना सुकून से नहीं बल्कि तेज़ी से तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन जो लोग अभी टाइम टू टाइम मेरे साथ चल रहे हैं वो रिलैक्स रहे हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं उस पर ग्रिप करें तो इंशाल्लाह जो है इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े अच्छे तरीके से इन टाइम अच्छी तैयारी कर लेंगे. अभी आपके पेपर में आई थिंक कम अज़ कम 2 से 3 महीने आराम से होंगे, तो इतना सिलेबस नहीं है, चीज़ें कि आपकी जो सिलेबस में चीज़ें हैं उन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए.
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।